ये राखी जैसी औरतें जो होती है ना, इनसे बात भी करना बहुत डेंजरस होता है। एक टैबलेट ऐसी दी थी मुझे राखी, राखी है लिटरली ड्रग्ड मी। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में क्या जो रिया ने सुशांत के साथ किया था वही राखी ने आदिल के साथ किया है? क्या रिया चक्रवर्ती का अब सीबीआई कराएगी नार्को टेस्ट? बात करेंगे डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में आदिल जो राखी के पति थे एक वक्त तक, उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे करे हैं जिन खुलासों को देखने के बाद लग रहा है जब सुशांत केस हुआ था तो जो ब्लेम रिया के ऊपर लगे थे कुछ इसी प्रकार आदिल कुछ ऐसे ब्लेम आज के वक्त पर राखी के ऊपर लगा रहे हैं। तो क्या जो रिया ने सुशांत के साथ किया वही राखी ने क्या आदिल के साथ किया? आप खुद सुनिए इस वीडियो को। ये राखी जैसी औरतें जो होती है ना, इनसे बात भी करना बहुत डेंजरस होता है। एक टैबलेट ऐसी दी थी मुझे राखी, राखी लिटरली ड्रग्ड मी। राखी ने मेरे साथ वीडियो कॉल पे मेरा एक न्यूड वीडियो शूट किया था व्हेन आई वाज इन मैसूर एंड शी वाज इन बॉम्बे। पॉइंट टू बी नोटेड, राखी ने रितेश को डाइवोर्स नहीं दिया एंड शी गॉट मैरिड टू मी। टुडे इन दिस चैनल आई वांट टू से दिस आल्सो, राखी एक्चुअली मेरे से 19 साल बड़ी। मैं उसको इतना प्यार करता था, उसकी माँ को, उसकी माँ का एक्चुअली मैं बहुत फेवरेट इंसान था। मेरी माँ को कैंसर है, मेरी माँ को वो है, मेरी माँ को ये है करके हर इंसान से तो पैसे लूटती रहती थी। 1-2 लाख रुपए हर महीने तो डोनेशन लेती थी। सलमान भाई ने आदिल को कॉल किया, सलमान भाई आदिल को धमका। ये राखी की स्क्रिप्ट थी, ये राखी की स्क्रिप्ट थी। राखी ने उसको सिखाया पहले न्यूड वीडियोस का दे, अगर नहीं हो रहा है तो फिर मैं आती हूँ, मैं रेप फिट करके। आदिल और मेरा बच्चा गिर गया, हमारा मिसकैरेज हो गया। सो शी वाज इन प्रेग्नेंट। कहाँ से प्रेग्नेंट हो सकती है यार, 3 दिन बैठ के उसका यूट्रस का कुछ ऑपरेशन होकर उसको शी हैड टू गेट इट रिमूव्ड। बिकॉज राखी ने मेरे साथ वीडियो कॉल पे मेरा एक न्यूड वीडियो शूट किया था व्हेन आई वाज इन मैसूर एंड शी वाज इन बॉम्बे। राखी ने ही शूट किया था, मुझे एक कुछ इश्यू था, मुझे उसको दिखाना था, तो शी शॉट दिस एज वो। मैं एक सेकंड के लिए भूल गया था, ये तो मेरी वाइफ नहीं, ये तो राक्षस है। एक और भी वीडियो है जहाँ मैं कन्फेस कर रहा हूँ मैंने उसके 1.5 करोड़ रुपए लिए है। डू यू रिमेंबर? एक टैबलेट ऐसी दी थी मुझे राखी, राखी आर लिटरली ड्रग्ड मी। एक ऐसे नशा जैसा फील हो रहा था, जो उसने ये भी एलिगेशन लगा था आदिल ड्रग लेता है। मैं जस्ट सोया हूँ, उठाऊँ, मुझे इसको समझ में नहीं आ रहा, जो सवाल पूछ रहे मैं जवाब दे रहा हूँ और मुझे सर बहुत बुरा दुख रहा है। इसमें ये वीडियो में मेरी हालत देखो, आप लोग मेरी हालत देखो, आई लुक लाइक आई एम ड्राउजी और आई एम ईटिंग सम टैबलेट्स। डू यू सी दैट? मेरे हाथ में कुछ टैबलेट्स है, आई एम नॉट इन माय सेंस। इस वीडियो को सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार आदिल ने बहुत सारी बातें बताई हैं, जिसमें आदिल कहते हैं कि उनको कुछ ऐसी दवाई, कुछ ऐसे ड्रग्स दिए जा रहे थे जिसके बाद वो होश में नहीं थे। वो कुछ ऐसी बातें बोल गए वीडियो में, जो कहा जा रहा है कि उन्होंने बताया मुझे कुछ मेडिसिन दी जा रही थी, उन मेडिसिन को देने के बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं और बाद में मेरे कई सारे इन्वेस्टमेंट जो मैंने करे थे, पैसे लगाए थे, उसके बाद उनके ऊपर उनको ही फंसाया गया, उनको ही कहा जा रहा है कि दोषी बनाया गया। जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब राखी को लेकर कई और लोग बाहर निकल के आ गए हैं और राखी सावंत ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है और यह स्टेटमेंट उन्होंने कहा जा रहा है कि आदिल के साथ साथ कई लोगों को लेकर दिया है। वो क्या है सुन लीजिए एक बार। कम से कम 8 केसेस है, 8 केसेस है उसके मैसूर में, 420 के तो वो 6 महीने जेल में जो था मैसूर में, दैट इज नॉट फॉर माय केस। वो उसकी ईरानी गर्लफ्रेंड स्टूडेंट जो है डॉक्टरी पढ़ रही है, जो इसके खर्चे पे फ्लैट में इसने उसको रखा है 5 साल से रखेल बना। आदिल का प्लान था मेरी जिंदगी में आना, शादी करना, शादी करके मुझे मार डालना, धीरे धीरे जब उसका मुझे मारना, टॉर्चर करना, ही वॉज टॉर्चरिंग मी, वॉज मुझे कपड़ों के लिए फाड़ देता था मेरा कपड़ा, कहता है कि वेयर फुल क्लोथ्स, आई एम अ इस्लामिक, आई सेड ओके आई विल वेयर इट बिकॉज आई रिस्पेक्ट इस्लाम, ही इज वेरी गुड इन बिजनेस, टेकिंग न्यूड वीडियो ऑफ विमेन, डूइंग सेक्स वीडियो विद द विमेन। इफ आई एम मैरिड टू रितेश, अगर उसके पास कोई भी एविडेंस है, ही शुड गो टू कोर्ट ना, कोर्ट में मुझे लटका देना फिर फांसी पे, यू नो, क्योंकि काफी सारे, जब उसने कार के लिए मुझे बुलाया था, ही रेप्ड मी, मैंने उर्फी जावेद को बोला, ही रेप्ड मी, शी वाज एंग्री, सलमान से मिला, शाहरुख से मिला, फराह खान से मिला, बाद में फराह मैम को मैं बोलती थी इसको मत हीरो लेना, ये मुझे मारता मैम, काश फराह मैम अगर वो मैसेज आप दिखा दो मेरा, मेरे पे मेहरबानी होगी। मुझे क्या मालूम क्या लव जिहाद, मुझे क्या मालूम मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, मेरे पैसे लूट लिए। ऐसे आदमी के साथ रहने से बेहतर है, ऐसा पति पाने से बेहतर है कि मैं आत्महत्या करूं। इसको स्टार बनना है, इसको मेरे पे इल्जाम लगाना है, ये इसने कल मीडिया ट्रायल किया, मैं सिर्फ उसका जवाब देने आई हूं। इस स्टेटमेंट को देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि सही कौन है गलत कौन है, पर आदिल की जब बातें सुनी आज तो कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि यही सारे ब्लेम, कुछ इसी प्रकार जो ब्लेम थे वो एक वक्त पर सुशांत के जब हुआ तो रिया के ऊपर लगे थे। जो आपको याद होगा एनसीबी की चार्जशीट में रिया का नाम था, सीबीआई जब जांच करने आई तो पहली जो नज़र थी वो रिया के ऊपर थी।
ईडी जांच करने आई तब भी घपला मिला, भैया ट्यूशन की फीस जा रही है, सुशांत के पैसे कहाँ जा रहे हैं, कुछ इस प्रकार बातें हुई, पूजा के नाम पर पैसे निकाले जा रहे थे, ये सारी बातें ईडी जब जांच करने आई तो निकल के आई सामने। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या सुशांत को भी कुछ इसी प्रकार मेडिसिन दी जा रही थी, क्योंकि सुशांत की कुछ ऐसी वीडियो बाद में वायरल हुई थी उनके जाने के बाद, जिन वीडियो को देखकर लग रहा था कि सुशांत नॉर्मल नहीं थे। सुशांत को कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें दी जा रही थी जिसके बाद कुछ इसी प्रकार वो बिहेव कर रहे थे जैसे आज आदिल अपनी वीडियोस में बता रहे हैं कि उनको भी कुछ ऐसी चीज़ें दी जा रही थी, और देने के बाद कहा जा रहा है कि वो कुछ वीडियोस बना रहे थे, और वीडियो बनाने के बाद कहा जा रहा है कि उनको ये पता ही नहीं लग रहा था कि वो ये वीडियो में क्या क्या बोल जा रहे हैं, पर उन्होंने कहा कि मुझे ड्रग्स दे रहे थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने सीधा राखी के ऊपर ब्लेम लगा दिया है। तो क्या यहाँ पर सुशांत केस की अगर जांच होती है सही से, तो क्या सुशांत केस में भी कुछ इसी प्रकार चीज़ें निकल के आएंगी, क्योंकि एनसीबी ने तो जांच बहुत अच्छे तरीके से करी थी इस पूरे मामले में। पर सवाल यही उठता है कि आखिरकार क्या इस पूरे मामले में एनसीबी ने जो जांच करी थी, जिसकी चार्जशीट में रिया का नाम भी है, तो क्या एनसीबी की चार्जशीट में रिया का नाम आना, और कहीं ना कहीं रिया के जो नाम सामने निकल के आए थे उन नाम को देखते हुए आज सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार क्या सुशांत को भी कुछ ऐसी ही चीज़ें दी जा रही थी। इसी के साथ अगर हम बात करें तो रिया का जब नाम तीनों जगह पर देखा गया सीबीआई, एनसीबी और ईडी की लिस्ट में, तब कहा जा रहा है कि सवाल ये उठा कि आखिरकार सिर्फ रिया के ऊपर क्यों ब्लेम डाला गया, और भी लोग हो सकते हैं, पीछे कोई मास्टरमाइंड हो सकता है, कुछ लोगों की बातें भी हुई, पर रिया के ऊपर जब बातें गई, रिया के कुछ इंटरव्यूज निकल के आए, और उस इंटरव्यू में उन्होंने जी भरकर जितना सच बोला था वो लोगों ने दो मिनट में पहचान लिया कि क्या सही था क्या गलत था। जिसके बाद कहा जा रहा है कि रिया को लेकर जो सीबीआई थी उन्होंने भी पूछताछ करी थी, उसके बाद कहा जा रहा है कि धीरे धीरे मामला इस प्रकार शांत हुआ कि कोई सवाल नहीं उठा। अब कुछ लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि क्या इस पूरे मामले में एजेंसीज को अगर किसी पर शक होगा तो क्या एजेंसी कोर्ट जाएगी और नार्को टेस्ट की मांग करेगी, तो क्या रिया का नार्को टेस्ट हो सकता है, आपको ऐसा लगता है? अब इसके बारे में हम कुछ कह तो नहीं सकते, कुछ लोग ऐसा दावा कर रहे हैं, मीडिया में इसको लेकर कोई अभी खबर निकल के नहीं आई है, पर कहीं ना कहीं कुछ लोग अपनी वीडियोस में ऐसा दावा कर रहे हैं कि रिया का नार्को टेस्ट हो सकता है। अब रिया का अगर नार्को टेस्ट हुआ तो डेफिनेटली सुशांत केस में बहुत बड़ी मदद हो सकती है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आ सकती है, जैसे रिया के ऊपर कुछ लोगों ने ब्लेम करा कि रिया ने तो 8 या 9 तारीख को घर छोड़ दिया था, और कुछ लोगों ने कहा कि रिया सुशांत के साथ 13 की रात को पार्टी कर रही थी। अब अगर रिया पार्टी नहीं कर रही थी तो इसको लेकर सच सामने निकल के आ जाएगा, या फिर रिया सुशांत से आखिरी बार कब मिली थी इसको लेकर सच सामने निकल के आ जाएगा, वो मिस्ट्री गर्ल कौन थी उसको लेकर सामने निकल के आ जाएगा, आखिरी बार रिया मॉर्चरी में जब गई तो सॉरी बाबू क्यों बोला इसको लेकर सच सामने निकल के आ जाएगा, रिया ने जो बड़े बड़े दावे करे सुशांत के जाने के बाद, जो इंटरव्यू में बातें बोली उसको लेकर सच सामने निकल के आ जाएगा, सुशांत के साथ किसने गलत किया उसको लेकर भी सच सामने निकल के आ सकता है नार्को टेस्ट अगर हुआ तो, क्योंकि नार्को टेस्ट नॉर्मली नहीं होता। नार्को टेस्ट होने से पहले दावे ये होते हैं कि कोई भी इंसान का नार्को टेस्ट अगर करवाया जाता है तो पूरे मेडिकल चेकअप के बाद उस इंसान की परमिशन लेने के बाद ही नार्को टेस्ट उसका होता है। तो क्या आपको लगता है कि अगर नार्को टेस्ट हुआ भी तो सामने वाला जो शख्स होगा वो परमिशन दे देगा, ऐसा लग रहा है आपको? मुझे ऐसा लगता तो नहीं है, और अभी ऐसी कोई खबर निकल के भी नहीं आई है कि नार्को टेस्ट होगा रिया का या नहीं होगा, इस प्रकार कुछ बातें हो रही हैं। तो मुझे लगा आपसे पूछना चाहिए कि अगर रिया का नार्को टेस्ट होता है तो क्या सुशांत केस में आपको लगता है कि बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है एजेंसीज को लेकर, और साथ में इस पूरे मामले में भी बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है अगर रिया का नार्को टेस्ट होता है तो? आपको क्या लगता है, आप अपनी राय बताइएगा कमेंट्स में, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर रिया के ऊपर लगातार ब्लेम लगे थे, लगातार सवाल उठे थे, उन चीज़ों को देखने के बाद कहीं ना कहीं सवाल यही उठ रहा था कि आखिरकार आज के टाइम पर भी सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, पर क्या सुशांत केस दोबारा से उठेगा? अभी नहीं, इलेक्शंस के टाइम पर, क्योंकि कुछ ऐसी जगह है जहां पर सुशांत मुद्दा मुझे लगता है कि उठ सकता है, क्या न्याय के लिए या फिर वोट के लिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि न्याय के नाम पर तो सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला पिछले 3 साल से चल रहा है, और 3 साल में न्याय के नाम पर क्या क्या सामने चीज़ें निकल के आई हैं ये आपके सामने है, हमारे सामने है, और ख़ास करके सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं, जो कहा जा रहा है कि उनके लिए फ़ाइट कर रहे हैं पिछले 3 साल से, उनके सामने निकल के आ रही हैं चीज़ें। तो कहीं ना कहीं देखने वाला विषय है कि आखिरकार सुशांत केस को लेकर कौन सी बड़ी खबर कब निकल के आएगी बार, अभी तो फिलहाल ये बात कोई जानता नहीं है, अब देखने वाला विषय होगा, इंतजार करते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले का जो भी सच होगा वो कब बाहर निकल के आता है, और उस सच को देखने के बाद सुनने के बाद क्या चीज़ें निकल के आएंगी बाहर, ये तभी पता लगेगा जब इस पूरे मामले को लेकर फाइनल कंक्लूजन सीबीआई, ईडी या एनसीबी
सुनाने लग जाएगी, क्योंकि लोगों ने डिमांड करी थी हमेशा से जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत और सीबीआई फॉर एसएसआर। कभी भी लोगों ने ईडी या फिर एनसीबी फॉर एसएसआर नहीं किया, पर सुशांत केस में जब सीबीआई आई तो पता लगा एनसीबी की ज़रूरत है, ईडी की ज़रूरत है, और जब सारी एजेंसी जाँच करने आ गई तो पता लगा कि इस पूरे मामले में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं जो धीरे धीरे बाहर निकल के आ रही हैं। अब यहाँ पर लोग ये कहते हैं कि अगर इस पूरे मामले में एनसीबी की मदद से, ईडी की मदद से ये मामला सॉल्व हो जाता है या फिर इस मामले में जो भी गलत चीज़ें हैं वो सॉल्व हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मदद होगी इस पूरे मामले में। पर अगर इस पूरे मामले में तीनों एजेंसी शांत हो जाएंगी तो फिर न्याय कौन देगा, क्योंकि रिया के ऊपर तो परिवार ने भी बिहार में 306 का केस लगाया था, मतलब अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस उसके ऊपर लगाया गया था परिवार की ओर से। और यहाँ तक कि कई लोगों ने बाद में दावे करे कि ये तो 302 का मामला है जिसमें कई बड़े पॉलिटिशियन भी शामिल थे। तो अब देखने वाला विषय है कि मामला कौन सा है कौन सा नहीं है, ये तो एजेंसी बता सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, मिलेंगे बहुत जल्दी। और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिले तो फिर आपको जाना पड़ेगा यूट्यूब पे और सर्च करिए सागर भल्ला रिव्यू, हम आपको वहाँ मिल जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।